नमस्कार, हम प्रीत नु, आप देख रहे हैं सूटी पार्सल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आप लोग कोशिश करिए सुनने का, क्योंकि आज माइक हम लोग भूल गए हैं। ठीक है, तो ये काशी विश्वविद्यालय का एक स्थान है, बड़ा ही फेमस है। इस स्थान को बोलते हैं मालवी अनुशूलन केंद्र। यहाँ पे हिंदू स्टडीज़ की पढ़ाई होती है, और आज मैं यहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो अभी आपको इस तरीके की फाइल बनानी है। ठीक है, आप ऐसे फाइल कैरी करो जिसमें आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपना अरेंज करो, और ध्यान देना घर से जब निकलना तो फाइल कहीं ट्रेन में ना छूट जाए। कई बार व्हाट्सएप स्टेटस पे आता है कि ये डॉक्यूमेंट खोया पाया गया और आप कॉन्टैक्ट करिए। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रहा हूँ, आप लोग उस डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट जो है वो प्रॉपर फॉलो कर लेना। ठीक है, तो दसवीं, जहाँ से हमारी पहली बोर्ड एग्जाम शुरू होती है, दसवीं, बारहवीं, टेंथ, ट्वेल्थ, ठीक है, उसमें एक सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन कुछ स्टेट आपको नहीं देता है। जैसे आप यूपी बोर्ड से अगर पढ़े हो तो यूपी बोर्ड उसी में अपने मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास दसवीं बारहवीं के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं आप उसको ले आओगे। यूजी जहां से किया हुआ है, जो यूजी का ग्रेड कार्ड है वो ले आओगे। अगर आपकी डिग्री आपको मिल गई है, सपोज कि आपकी डिग्री आपको मिल गई है, तो आप डिग्री भी ले आओगे। आपका माइग्रेशन आपको मिल गया है तो आप ले आओगे। टीसी मिल गया है, करेक्टर सर्टिफिकेट सीसी मिल गया है, तो वो आप ले आओगे। ये बेसिक है, लेकिन एक इसमें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका पूरा एडमिशन टिका हुआ है, वो है रिजर्वेशन का। जैसे आपने EWS से एडमिशन लिया है, आपने OBC से लिया है, आपने ST/ST से लिया है, PW से लिया है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लाने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके पास NT रहेगी, और डोजियर एक फॉर्म होता है जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके तीन तीन कॉपी सबका जीरोक्स करवा लेना। ठीक है, कुछ तो ओरिजिनल सबमिट हो जाएंगे, तो लेकिन सभी के कम से कम तीन से चार जीरोक्स कॉपी करवा लेना, और अपना फोटो सुंदर सा कम से कम 15-20 आप क्लिक करवा लेना। ये पूरे इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने, लेकिन ध्यान देना कि अब कुछ केसेस में आएगा कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, ऐसा आ सकता है। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो पैनिक नहीं होना, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसको ले आके पहले वहाँ पे प्रेजेंटेशन अपना दो, अपना अटेंडेंस वहाँ लगा दो कि हाँ वी आर इंटरेस्टेड, मेरा ये डॉक्यूमेंट बस अवेलेबल है, तो फिर वो आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करवाएंगे, और आप उस अंडरटेकिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग यानी कि कोई अपना डेट दे दोगे और उस डेट तक फाइनल ला के आप दे दोगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनका अभी यूजी का एग्जाम ही चल रहा है, ऐसा है बहुत सारे बच्चों का है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट अभी पूरा मिला नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी में उनका फंसा हुआ है, माइग्रेशन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। जो है आप उसको लेके आके पहले यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दो अपने डिपार्टमेंट में। ध्यान देना कि सभी को लगभग मेल जा रहा है, अगर मेल नहीं गया है तो भी आप अपना समय निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के, क्योंकि अब ये BHU भी आपका हुआ, तो 8 से 10 तारीख के बीच में आप अपने डिपार्टमेंट में एक बार जरूर विजिट कर लें। अगर आप नहीं विजिट करने वाले हो तो कम से कम कॉलिंग के थ्रू आप वहाँ के ऑफिस में बात कर लो कि सर हाँ मुझे समय लग सकता है और मैं थोड़ा लेट आऊँगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप प्लीज फॉलो करिएगा, समय से फॉलो करिएगा। कुछ केसेस में बच्चे मुझे ज़रूर बोलेंगे क्योंकि वो उनका एग्ज़ाम चल रहा है, वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो दो टाइप के बच्चे, एक तो आएंगे और तुरंत सेटल हो जाएंगे। सबको पता है कि जो आपकी क्लासेज है ना, वो क्लासेज अभी तुरंत नहीं स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक ऑफिशियल लिस्ट आई थी 8 से 10, तो 8 से 10 में लोग करवाएंगे। लेकिन बहुत इमरजेंसी है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आप उसके 2-3 दिन बाद भी आके करा सकते हो। लेकिन ये मेरा अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप इसे ऑफिशियली कंसिडर मत कीजिएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने बात करी तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर नहीं आए तो आपके एडमिशन कैंसिल कर दिए जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने टाइम के अंडर में आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करा लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है कि सर इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझो, जैसे कि जितने GDPI कोर्सेज वाले भाई, GDPI कोर्सेज का तो अभी एडमिशन ही चल रहा है, तो उनको तो अभी ऐसे भी डेट नहीं आने वाला है, जैसे कि MPMR हो गया, MSW हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं अगर उनका क्लियर हो गया है, डिपार्टमेंट अगर उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी स्पॉट राउंड का भी तो रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, तो ये बच्चे आएंगे तो इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एडमिशन हो गया, अगर आप अपना एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। पैनिक मत होना, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना है। कोशिश करो कि आप इसी टाइम में आके अपना करवा लो, अदरवाइज अभी आपका जब तक ये काउंसलिंग चल रहा है ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आके करवाओगे तो भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। एडमिशन विड्रॉल के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सअप पे, तो बहुत सारी इंक्वायरी के लिए देखो काउंसलिंग वाला प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ आप लोग काउंसलिंग वाला पे अपना कॉन्टैक्ट कर लो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, जो भी प्रॉब्लम आता है फाइनली फोन कॉल पे आप अपना डाउट क्लियर कर लो। हॉस्टल वाला भी बना दिया गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हॉस्टल रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है हॉस्टल वाला, आप उसे कॉन्टैक्ट कर लो, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो
मैं बता रहा था एडमिशन विड्रॉल का ऑप्शन गायब है इसके लिए, तो एडमिशन विड्रॉल का ऑप्शन मॉपअप राउंड के बाद या उसी दरमियान उसी ट्रांजिशन पीरियड में जरूर आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग पैनिक मत हो, सोच थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अभी अगर वो लोग एडमिशन विड्रॉल का ऑप्शन दे देंगे ना तो सीट ही नहीं फुल होगा। इधर इधर मॉपअप से सीट फुल कर रहे हैं और उधर पता चला सीट बाहर सब निकाल रहे हैं, तो इसीलिए अभी मॉपअप राउंड के दरमियान लोग विड्रॉल ऑप्शन नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद दे देंगे, तो आपका पेमेंट नहीं डूबेगा। आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और 15 अगस्त से हम लोग का फाइनली 2025 के लिए CUET की प्रिपरेशन UG एंड PG दोनों का स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे भी मेरे से टॉक करना चाहते हैं, BHU में से बहुत सारे अच्छे से स्पॉट हम लोग ढूंढ के आपके साथ टॉक करेंगे, ग्रुप टॉक भी करेंगे यानी मीटअप, और इंडिविजुअल अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, अच्छा आप मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो इसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। अगर मुझे आपसे बात करके अच्छा महसूस हुआ, लगा कि नहीं आपके अंदर कुछ है, तो मैं आपसे ज़रूर टॉक करूँगा। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वही काउंसलिंग वाला, आप उसके बस इतना लिख के लिखो कि मेरा नाम ये है, मेरा इस कोर्स में एडमिशन हुआ है और मैं आपके साथ टॉक करना चाहता हूँ, तो मैं आपको खुद ही एक टाइम स्लॉट दूंगा, आप जब आओगे तो हम लोग कोई अच्छा सा प्लेस देख के हम लोग आपसे ज़रूर टॉक करेंगे। तो प्लीज़ ये तमाम चीज़ों के लिए जब से जुड़े रहे हैं, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फाइनली आपको BHU मिल रहे हैं, मेरी फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला, गुलाब जामुन भी खा लूँगा मैं मिठाई कोई भी हो, राम नाम में आलसी भोजन में होशियार, और हम लोग ऐसे भी बनारस से आते हैं, मिठाई छोड़ते नहीं हैं, आप खिलाओगे तो ज़रूर खाएंगे, तो ज़रूर मिठाई खिलाइएगा अपने जगह का, जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ की अच्छी मिठाई, ठीक है? तो हर हर महादेव, बहुत सही, ऑल द बेस्ट।